तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। चित्तौड़गढ़ विधानसभा से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। पार्टी ने यहां नरपत सिंह राजवी को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रभान सिंह आक्या को बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बेंगू से टिकट देने की बात कही थी, लेकिन वह इस बात पर राजी नहीं हुए। अब आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए बीजेपी आलाकमान को सख्त मैसेज देने की कोशिश की है। मैं चंद्रभान सिंह आक्या अपील करता हूं पूरे चित्तौड़गढ़ विधानसभा वासियों को, मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को, मातृशक्ति को, युवा साथियों को, आप सब लोगों को 6 नवंबर को प्रातः 11 बजे मैं विधानसभा का पर्चा भरने वाला हूं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर इस कार्यक्रम को आप सब लोग सफल बनाएं। मुझे आशा है अभी भी शीर्ष नेतृत्व कि वो सोचकर अच्छा करेगा अपने बारे में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बताकर इस कार्यक्रम को आप सब मिलकर, आप खुद का कार्यक्रम के और इस कार्यक्रम को आप सब मिलकर सफल बना। धन्यवाद। चंद्रभान सिंह आक्या अब 6 नवंबर को नामांकन भरेंगे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ वासियों से अपील करते हुए एक वीडियो भी जारी की है। वीडियो में उन्होंने कहा, समस्त विधानसभा वासियों से विनम्र अपील है कि आप सभी वरिष्ठ जन एवं भाई बहनों के सानिध्य में अपना नामांकन सोमवार को भरने जा रहा हूँ। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में नामांकन रैली में पधारकर आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना है। चंद्रभान सिंह आक्या ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीपी जोशी ने पुरानी दुश्मनी के चलते मेरा टिकट काटा है। वहीं आक्या की नाराजगी के जवाब में सीपी जोशी ने कहा, बीजेपी में कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, बल्कि सभी निर्णय सामूहिक होते हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की सूची आई उससे लोगों में उत्साह है, परिवार के लोग हैं, सब मिलकर काम करेंगे। जैसे ही सिटिंग विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका विरोध करने का तरीका भी बदलता गया। अब चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान करते हुए नामांकन भरने की तारीख तक बता दी है। ऐसे में उन्होंने बगावत का यह तरीका अपनाते हुए बीजेपी आलाकमान को टेंशन में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।